तो आज हम सब लोग यहाँ कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं सबसे पहले तो आज का जो सेमिनार क्लास है हमारी इसमें ऐसा कुछ नहीं कि पढ़ाना है या कुछ नहीं एक जनरल टॉपिक है जिसके बारे में हम सबको एक दूसरे के साथ डिस्कस करना सिंपल पढ़ाना मैं बोलूंगा आप सुनोगे पढ़ाना उड़ाना कुछ नहीं यहाँ से यहाँ पे मेरे से ज्यादा नॉलेज वाले लोग बैठे हैं पढ़ाना कुछ नहीं सिर्फ एक जो जनरल थॉट जो डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर ने हमें दिया एक थॉट कि कैसे हम लोगों को परसीव करना है एक पेशेंट को डॉक्टर हनुमान ने पूरे ऑर्गेनन में यही बोला है कि आप फिजिशियन शुड नो हाउ टू परसीव अ पेशेंट परसेप्शन ऑब्जर्व नहीं बोला उन्होंने सी नहीं बोला वॉच नहीं बोला परसीव बोला परसीव एक बहुत ही डीपर मीनिंग का है परसीव में सब कुछ आ जाता है परसीव में आप उसको वॉच भी कर रहे हो ऑब्जर्व भी कर रहे हो लेकिन साथ के साथ एक एनालिसिस चलता रहता है कि उस चीज में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट मैं डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर के पास रहा हूँ 3 साल उनका असिस्टेंट बनने का मौका मिला हमेशा सर ने एक ही चीज सिखाई है कि केस में क्या नहीं लेना मोस्टली हम लोग जब मटेरियल मेडिकल पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि रेमेडी में क्या है क्या है क्या है क्या है और हम लोग उसी तरह अपने केसेस में देखते हैं कि हाँ ये सिम्टम है ये सिम्टम है ये सिम्टम है ये सिम्टम है हम लोग भी जब कॉलेज में थे हम लोग ऐसे ही पढ़े हैं ऑल्दो के मेरे जो फादर है डॉक्टर सुनवीर सिंह मावी वो पहले से गए थे सर से लेकिन इंटरेक्शन कम थी एक वो समझ का फैक्टर मैं भी छोटा था एक वो आईक्यू लेवल नहीं डेवलप होता एक वो समझ नहीं डेवलप होती तो जब कभी वहां पे क्लिनिक पे जाना पापा के पास बैठना तो बड़ा और सा लगता था कि यार ये क्या है मतलब अगर लाइको प्रिस्क्राइब कर रहे हो लाइको में ये पॉइंट होने चाहिए लेकिन ये नहीं है पढ़ते थे कंफ्यूज हो जाते थे एक ही मेडिसिन में हीट एग्रवेशन था एक ही मेडिसिन में हीट एम्बुलेशन था बोलते थे क्या चीज है एग्रवेशन भी होता है एम्बुलेशन भी होता है हमें कौन सा उठाना तो धीरे 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 करके जैसे जैसे समझ इन्वॉल्व हुई हम लोग पढ़ाई में इन्वॉल्व हुए तो ये बातें धीरे धीरे करके समझ में आने लगी कि हाँ मेडिसिन को मटेरियल मेडिकल जरूरी है रिपर्टरी जरूरी लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो डॉक्टर हनुमान ने एक वर्ड दिया परसेप्शन का वो सबसे जरूरी है कि यू शुड परसीव व्हाट इज टू बी टेकन इन द पेशेंट सो सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आशीर्वाद देना चाहूंगा डॉक्टर हनुमान सर का जिन्होंने इतनी बड़ी इतनी महान साइंस हमें दी मोस्टली जब भी होम्योपैथी कॉलेज में पहुंचते हैं तो मोस्टली 99% ऐसे ही हम लोग पहुंचते हैं कि एमबीबीएस में एडमिशन लेंगे लेकिन अभी धीरे 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 जैसे समझ में आता है तो यही लगता है कि अच्छा हुआ नहीं मिली क्योंकि जो साइंस डॉक्टर हनुमान दे गए उन्होंने वो सब देखा था जो उस टाइम था एलोपैथी में वही आज एलोपैथी में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है सेम जो मेडिसिन तब दी जाती थी वो भी अभी है जो हाल तब था वही अब है सेम डिजीज वही डिजीज तभी इनक्योरेबल थी आज इनक्योरेबल है तो अगर उन्होंने अपनी एमडी वगैरह सब सैक्रिफाइस करके एक अपना पूरी प्रैक्टिस पूरी फ्लरिश प्रैक्टिस सैक्रिफाइस करके ये नई चीज डिस्कवर की तो कुछ तो बात होगी और सिर्फ डॉक्टर हनुमान ने उनके बाद कई एलोपैथ ने ये काम किया डॉक्टर कैंट डॉक्टर बोगर सभी लोग एमडी थे इन्होंने अपनी फ्लरिशिंग प्रैक्टिस छोड़ के होम्योपैथी के पीछे लगे तो कुछ तो बात होगी अभी वो बात समझ में आ रही है धीरे धीरे तो सबसे पहले डॉक्टर हनुमान सर का आशीर्वाद देना चाहूंगा दूसरा हमारे गुरु डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर का
क्योंकि डॉक्टर हनेमन की जो साइंस, जो उन्होंने जिस अवस्था में, जिस ऑब्जर्वेशन से, जिस एक्सपेरिमेंट से इसको लिखा था, उसको इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल सर ने बनाया। अगर आज हम लोग उसको साइंस के साथ रिकैपिटुलेट करते हैं, या उसको एम्ब्रियोलॉजी के साथ हम लोग लिंक करते हैं, फिजियोलॉजी के साथ, एनाटॉमी के साथ, तो सर की बुलाओ। तीसरा मैं आशीर्वाद देना चाहूंगा अपने पेरेंट्स का, डॉक्टर सुरवीर सिंह भाभी और डॉक्टर अभिजीत कौर भाभी। जब फोर्थ क्लास में था तब से होम्योपैथी सुनाई दे रही है। धीरे 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 वो एक स्लो पॉइजनिंग बन बन के पहले से बेस बन गया था, और उसी ने आज हमें हेल्प किया है कि हम लोग यहाँ पे खड़े। तो इसी के साथ इन सबका आशीर्वाद देके मैं स्टार्ट करूंगा आज का लेक्चर। जब भी लेक्चर स्टार्ट करता हूं तो कोई ना कोई डॉक्टर हनीमन के कुछ वर्ड जो मिलते हैं पढ़ते दौरान, उनसे स्टार्ट करते हैं।